एनएटीपी है। सर यहाँ पे सर स्टे, सर सामने आप बहुत खुशी है कि दोबारा ये फेस्टिवल हुआ है और ये हमारी सारी फिल्में उसमें दिखाई जा रही हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन फिल्मों के लिए जो आमतौर पे जिन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है थिएटर्स में आने की, और थिएटर्स में आ पाती हैं तो उन्हें स्क्रीन्स मिलने की मुश्किल होती है क्योंकि कोई 200 करोड़ की फिल्म उसके सर पे आके बैठ जाती है तो छोटी फिल्में अक्सर दब जाती हैं इसमें, जैसा कि आंखों देखी फिल्म जो बहुत ही बेहतरीन थी उसके साथ हुआ और कई फिल्मों के साथ हुआ। तो ये कम से कम मामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नौजवान फिल्म मेकर्स और वो फिल्में जो मेन स्ट्रीम नहीं हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है और बेहद खुशी है कि जुनून की स्क्रीनिंग आज यहाँ हो रही है। शशि साहब का इरादा ही ये था कि वो ऐसी फिल्में बना सकें जब उन्होंने फिल्म वालास कंपनी शुरू की थी जो कमर्शियल भी हों और यादगार भी रहें, और मेरे ख्याल से उनकी ये कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई। जुनून के ज़रिए उत्सव एक और फिल्म बनाई थी, उसके ज़रिए कलयुग जो श्याम साहब की दूसरी फिल्म थी उसके ज़रिए, तो जुनून पे मुझे बहुत फख्र है और मैं बहुत जज्बाती तौर पे बहुत मैं जुड़ा हुआ हूँ उस फिल्म के साथ, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आ जाके। नो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया हूँ बिकॉज आई बीन अ बिट बिजी एंड ट्रैवलिंग। मेरे लगने से क्या होता है, होना ही चाहिए ऐसा कि कमर्शियल फिल्म्स का कुछ तो अल्टरनेटिव मिलना चाहिए नौजवान लोगों को, क्योंकि मैं सोचता हूं कि काफ़ी तंग आ चुके हैं उस फॉर्मूला से, खासतौर से नौजवान ऑडियंस, दे क्रेव समथिंग एल्स, और हमारी इंडस्ट्री की जिद है बस कि इस तरह की फिल्में बनाए जाते हैं जिसमें एक्सेलेंस का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फिल्म मैंने देखी है, बहुत बहुत मज़ेदार फिल्म है, 3 घंटे की है, पैसा वसूल फिल्म है और मेरी दुआ है कि वो फिल्म कामयाब हो और विवान को का करियर कुछ आगे बढ़े। वेरी मच हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक न्यू कमर होने के बावजूद उसे काफ़ी अटेंशन दिया गया है और बहुत उसको मोहब्बत मिली है हैप्पी न्यू ईयर की यूनिट वालों से, और कमर्शियल फिल्म में काम करने का शाहरुख खान से ज्यादा अच्छा गाइड कौन हो सकता है उसके लिए। बिल्कुल, जितना मैं 8 फिल्म्स के लिए सूटेबल था उतना ही वो कमर्शियल फिल्म्स के लिए सूटेबल है। जी प्लान आपका क्या होगा? मैं दिवाली पर मुंबई शहर से बाहर निकल जाता हूं क्योंकि शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने फार्म पे चला जाता हूं, वहां पे मेरे कुछ लोग हैं, वहां पर उनके साथ मैं थोड़े से पटाखे और फूलझड़ियां वगैरह जलाते हैं और बस खामोशी के साथ रहते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से दिवाली शुभ दिवाली। थैंक यू। हाँ वो नौजवान का रोल मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। हाँ तो उसको मेरे साथ के लिए एक बुढ़िया ढूंढनी पड़ेगी ना।